सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ दो नए स्मार्टफोन को, और यहाँ पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर रियलमी की तरफ से, ये स्मार्टफोन है रियलमी का 5S। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे स्मार्टफोन की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो वीवो की तरफ से आता है, ये जो स्मार्टफोन है वो वीवो का U20। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की, तो दोनों स्मार्टफोन आपको यहाँ पर अंडर 10,000 के नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर काफी ज्यादा फीचर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो एक दूसरे को काफी ज्यादा कंपटीशन यहां पर देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से बात करने वाला हूं इन्हें दोनों स्मार्टफोन के सभी कंफर्म फीचर्स के बारे में, और साथ में बात करने वाला हूं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए यहां पर ज्यादा बेस्ट होगा सबसे कम प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले बात करता हूं अगर मैं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, अगर बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो अगर बात करता हूं रियलमी के 5S के डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको 6.51 इंच का HD+ जो डिस्प्ले है विद वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं मैं बात करता हूं अगर मैं यहां पर Vivo के U20 की, तो यहां पर आपको 6.35 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले यहां पर देखने के लिए मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में, और ये जो डिस्प्ले है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है यहां पर। तो ऑलरेडी यहां पर अगर बात करता हूं डिस्प्ले साइज की, तो जो Realme का 5S है इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको Realme का 5S में Qualcomm Snapdragon 665 जो प्रोसेसर है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, और इसके साथ साथ इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको यहां पर 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। अगर बात करता हूं फाइनली यहां पर Vivo की U20 की, तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 675 का जो प्रोसेसर है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, साथ में यहां पर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से देखने के लिए मिल जाती है। तो फाइनली अगर बात करता हूं प्रोसेसर की, तो यहां पर जो Vivo का U20 है वो थोड़ा सा फास्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा Realme के 5S से। अगर बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो Realme 5S में आपको 48 मेगापिक्सल का जो क्वाड रियर कैमरा है वो पीछे की साइड यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको Realme के 5S में देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करता हूं अगर मैं Vivo के U20 की, तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा पीछे की साइड देखने के लिए मिलता है, और यहां पर भी आपको 13 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑलरेडी अगर मैं बात करता हूं कैमरे की, तो जो Realme का 5S है इसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर दोस्तों बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh जो बैटरी है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, और साथ में इन दोनों स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का भी जो सपोर्ट है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करता हूं अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों स्मार्टफोन में पीछे की साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स जो कि यहां पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते हैं। और फाइनली बात करते हैं यहां पर एक बेस्ट स्मार्टफोन की, तो यहां पर जो Realme का 5S है वो काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन यहां पर निकल करके आने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको स्टोरेज ज्यादा मिलता है, और इसके साथ साथ यहां पर आपको कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी Vivo के U20 से। तो अगर आप यहां पर एक बेस्ट स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, तो यहां पर जो Realme का 5S है वो काफी अच्छा स्मार्टफोन यहां पर निकल करके आने वाला है। अब फाइनली दोस्तों यहां पर देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद कौन सा स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट यहां पर निकल करके आता है इन दोनों स्मार्टफोन में से। दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूं छोटी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।